आज चना बैंगन आलू डाल के सांभर कैसे बनाएंगे देखते हैं। 2 ग्लास चना में आधा ग्लास तुअर की दाल डाल के ऐसा बॉयल करके लिया है। बैंगन आलू काट के लिया है। ये मैं 30 जनों के लिए बना रही हूँ। नारियल, धनिया, जीरा थोड़ा भून के लिया है। इमली थोड़ा सा भिगाया है। टमाटर बड़ा बड़ा काट के लिया है। अभी ये सब मिक्सी में डाल के नारियल, जीरा, धनिया, ये सब टमाटर, इमली मिक्सी कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये जो काट के सब्जियां रखा है वो कुकर में डाल रही हूँ, दाल और चना के साथ। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये मैं 30 जनों के लिए डाल रही हूँ इसलिए ज़्यादा पड़ता है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्ची और ये डाल सकते हैं। इमली भी डाल करके, टमाटर, इमली सब मिक्स कर, अच्छी तरह से मिक्सी करके, अभी वो मसाला भी इसी में डाल रही हूँ। देखिए, पानी मिक्सी धो करके सारा पानी भी इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसको चौंक लगाएंगे कढ़ाई रख के। उसमें मैं तेल डाल रही हूँ, तेल गरम होवे। राई, हिंग, जीरा, मिर्ची, करी पत्ता, ये 30 जनों के लिए बन रहा है इसलिए ज़्यादा ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, चौंक रेडी हो गया। इस चौंक को उसी कुकर में डाल देते हैं। देखिए, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक विशल लेने से सांभर रेडी हो जाएगा। देखिए, मिक्स कर रही हूँ, बड़े कुकर में बना रही हूँ 30 जनों के लिए। कुकर ढक के एक विशल लेने से सांभर रेडी हो जाएगा। इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए, चना बैंगन आलू का सांभर रेडी।